राफेल विमान डील और 84 के दंगों पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा, लोकसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। सिख विरोधी दंगे में सजा पाने के बाद पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंपा। सिख विरोधी दंगे पर सजा सुनाते वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई, गुजरात, कंधमाल और मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया। अदालत ने कहा नरसंहार के मामलों के लिए अलग कानून बनाए जाने की जरूरत। कृषि संकट और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर यूपी के विधानसभा में हंगामा, एसपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों की कर्ज माफी का दबाव बनाया, कहा किसानों की कर्ज माफी तक पीएम को चैन से नहीं सोने दूंगा। मीटू अभियान के तहत अब आईआईटी रुड़की का कैंपस निशाने पर आया, 7 फैकल्टी मेंबर्स पर यौन शोषण के आरोप लगे। मुंबई में अंधेरी ईस्ट के ईएसआईसी कामगार अस्पताल में लगी आग काबू में, 6 महीने की बच्ची समेत 8 लोगों की मौत, 160 जख्मी। और मुख्य पुजारी की सहमति के बाद किन्नरों के दल को सबरीमाला मंदिर में दर्शन की इजाजत मिली।